सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। अभी हम आए थे यामा के शोरूम पे कि मतलब ये मैंने गाड़ी परचेज की थी, सेकेंड हैंड की थी, तो थोड़ा पता करना था कितना किलोमीटर चल गया, मतलब कितने किलोमीटर पे सर्विस हुई थी लास्ट। तभी इसकी एक सर्विस रह गई है दोस्त, तो अब मैं कराऊंगा अप्रैल में। 5000 पे सर्विस हुई थी, तभी 3000 किलोमीटर तो चल चुकी है ये। 3000 किलोमीटर चल चुकी है तो फिर सोचा हूँ थोड़ा 500 किलोमीटर और चल जाए। अब क्योंकि मुझे मई में गांव जाना है तो भाई, इसलिए मैं अप्रैल में कराऊंगा। सोच रहा हूँ अभी करा लूँ तो फिर उधर दिक्कत हो जाएगी मुझे, कहाँ से 1000 किलोमीटर चलना है भाई, तो ऐसे नहीं चल सकते। तो अभी चलते हैं चैनल। अरे यार, हमें यहाँ से लेना था यार, इधर को जाना था। चैनल का नाम लिखवाना है गाड़ी पे। खैर, आज काफ़ी टाइम के बाद यार ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। पहले चैनल का नाम लिखवा लेते हैं, फिर फ्रेंड्स से मिलेंगे। हाय यार, बहुत गर्मी है। एक तो ऊपर से जैकेट पहन लिया मैंने। राइडिंग जैकेट कैसे पहन के चलते होंगे सब। अभी तो मैंने हल्का जैकेट पहन रखा है तो पूरा गर्मी से भीग गया मैं। भाई ये सदर मार्केट है, देख रहे हो ना कितनी ट्रैफिक रहती है। बजाज का शोरूम भाई, आए थे RS 20 देखने, अरे सॉरी RS 200 देखने भाई। बजाज में मुझे वही यार प्रॉब्लम है इंजन का, खैर मैं ये डर रहा था इस गाड़ी को कि यार तीन सर्विस ना करा लिया हो बंदे ने, नहीं तो सर्विस चार्ज बहुत लगता है भाई। छोटी छोटी चीज़ों लगाओगे, जितने के सामान ने उतना का सर्विस चार्ज। रोक लियो बंदे को, देखे डबल हेलमेट लगा रखे हैं। इसमें कूलेंट भी मुझे लगता है ना कम हो गया है, तो भाई अब सर्विस में ही पता चलेगा कूलेंट इतना ही रहता है कम हो गया है। खैर मेरे हिसाब से तो कम ही हो गया है। भाई गर्मी, भाई अगर ट्रैफिक में चाहते हो कि पिकअप अच्छा से पकड़े, पावर दे ट्रैफिक में भी, तो TCS ऑफ करके चला करो। सपोर्ट आ गई पीछे, हाँ लगवाई है, अलग से लगवाई है। ये 1000 रुपये का पड़ता है, कंपनी से नहीं ऑर्डर करना पड़ता है, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन से ऑर्डर करके मंगा सकते हो आप। फ्लिपकार्ट है या अमेजोन से? हाँ
चलो आ ही गए हैं, थोड़ा एक इसका हेलमेट का शीशे देख लेते हैं, शीशा है क्या उसके पास। भैया इसका ब्लैक शीशा मिल जाएगा क्या? यही है हाँ। अच्छा इसका भी सादा ही है। ठीक भैया, ये देख लो भाई क्या स्टिकर गजब का लग रहा है। इधर भी और इधर भी चैनल का नाम। खैर अभी जो चैनल पे नया है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। चैनल का नाम भी लिखवा लिए भाई। हेलमेट का शीशा तो है नहीं, अपने फ्रेंड को कॉल करने के बाद मैं चैनल का नाम लिखवाया हूँ यार। ये मुझे पड़ा है 180 रुपये के दोनों साइड में लगाया यार, इतना महंगा। खैर कोई बात नहीं, तो कल जाना है मुझे। कल अगर टाइम मिल गया तो जाऊँगा करोल बाग। जो मैंने फॉग लैंप इसका निकाला था, फॉग लाइट, उसको दोबारा इंस्टॉल कराऊँगा। उसको मैं इसके नीचे इंस्टॉल कराऊंगा। पहले था वो स्लाइडर में लगा हुआ था, फैन स्लाइडर जो आता है उसमें लगा हुआ था। तो मुझे वहाँ से हटा के फिर इसलिए हटाया था, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था यार। और थोड़ा आगे लगेगा ना, क्या बेटर लुक देगा यार। खैर देखते हैं यार, जिस दिन हम शूट करते हैं, वीडियो शूट करते हैं, वो सच में यार उस दिन कुछ भी अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है। आज जिस दिन हम कैमरा लगा के नहीं चलते हैं। अभी कल रात में मैं आ रहा था तो भाई कैमरा नहीं लगा था। एक बंदा दारू पी के गाड़ी चला रहा था, ले जाके फोर व्हीलर में ठोक दिया था। मुझे ये लग रहा था साला कैमरा लगाया होता तो कुछ शूट हुआ होता। ये मैंने यहाँ लगा रखा है मोबाइल होल्डर, ये सही नहीं है यहाँ पे यार, इसका जगह चेंज करना पड़ेगा। मैं भी रेव दे रहा हूँ, वो भी रेव दे रहा है साथ साथ में। जरा सा झूम लूँ मैं, अरे मारे मारे ना, जरा सा तेज कर लूँ, अरे नारे नारे ना, चली दिन की हवा। ओहो सोच रहा हूँ यार हेलमेट में ब्लैक शीशे लगवाऊँ, ब्लैक शीशे लगवाऊँ कि रहने दूँ।
कहाँ है से कि मुझे कुछ थोड़ा नाइट में भी राइड करना है, तो नाइट राइड के लिए तो भाई ब्लैक सी से नहीं चाहिए, सादा सिंपल ही चाहिए। भाई कैसे देख रहा है, 3:30 कैमरा लगा के चलो, तो लोग मतलब वो ऐसे देख रहा था और फिर उसको बाजू में बोला दे रहे कैमरा है। खैर बस यही ही था छोटा सा वीडियो, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, देखते हैं कब शूट होगा। वैसे कल तो देखते हैं, करोल बाग चलेंगे तो फिर वीडियो बनाएंगे हम, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।